लॉन्ग मार्च ज्यादा दूर नहीं, पूरी तैयारी के साथ आ रहे हैं। आवाम का समंदर इस्लामाबाद पहुंचेगा, कोई रोक नहीं सकता। इमरान खान ने मुखालिफिन को दो टोक पैगाम दे दिया। इमरान खान ने ऑडियो लीक को इलेक्शन कमीशन और नून लीग की मिली भगत का सबूत करार देकर चीफ इलेक्शन कमिश्नर से फिर इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। तोशाखाना केस की खुली समाअत का चैलेंज भी दे दिया। सहाफियों से मुलाकात में इमरान खान ने ऐलान किया कि इलेक्शन कमीशन के सामने किसी सूरत पेश नहीं होंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के सामने पेश होकर डर है कुछ ऐसा ना कर दूं कि मुझे जेल जाना पड़े। साबिक वज़ीर-ए-आज़म ने दावा किया कि डस्का इलेक्शन के बाद पता चला गेम ही कोई और है। 100% यकीन है इन्हें नाअहल करने का मंसूबा बनाया गया है। इमरान खान ने मजीद कहा, पहले दिन से कहा हमारी ओपोजिशन जमहूरी नहीं बल्कि क्रिमिनल है। इमरान खान ने हुकूमत का शुक्रिया भी अदा किया। बोले, साइफर को फिर से जिंदा करने पर हुकूमत का मशकूर हूँ। साइफर में वाज़े लिखा है कि इमरान खान को हटाया जाए। साइफर से फायदा उठाने वाले इसकी तहकीकात कैसे कर सकते हैं।